प्यारे छात्रों, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अनअकैडमी पर मैंने आप लोगों के लिए बेहतरीन समाकलन के क्वेश्चन बनाए हैं, जो इस बार बोर्ड परीक्षा में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप उसे देखने के लिए प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उसमें आप वो लिंक ओपन करके बहुत ही इजीली उसको देख सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल एम सोल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को एक सूचना दे दूं कि अभी तक हमारे इस चैनल पर वीडियोस नहीं पढ़ पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं और मैं अब आप लोगों के लिए रेगुलर इस चैनल पर वीडियो लेकर आऊँगा। एक 10th का और एक दो 12th का और एक वीडियो कम से कम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो कुल मिला जुला करके 3 या 4 वीडियो डेली आप लोगों को मिलेंगी और आप लोग फिर से जुट जाइए और तैयार हो जाइए हमारे साथ स्टडी करने के लिए। और आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि ताश के 52 पत्तों में से यादृच्छया एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता हुक्म का हो परंतु बादशाह या गुलाम का न हो। तो यहाँ पर कंडीशन है कि पत्ता हुक्म का हो लेकिन बादशाह या गुलाम का न हो। तो यहाँ पर प्रायिकता का सवाल सॉल्व करने से पहले आपको उसका एक सबसे बेसिक फार्मूला वो जान लेना जरूरी है कि किसी चीज़ की प्रायिकता बराबर उसके अनुकूल संभव स्थितियों की प्रायिकता बटे कुल संभव स्थितियों की प्रायिकता। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ ताश के पत्तों की, तो ताश के पत्तों की कुल संख्या होती है कितना, 52। यानी कुल पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ते कितने होंगे, कुल पत्ते बराबर होगा 52। और आपको कौन सा पत्ता निकालना है, बाहर हुक्म का हो, यानी पत्ता आपको हुक्म का, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं ताश के अंदर, हुक्म के पत्ते होते हैं कुल 13। हुक्म के पत्ते कितने हैं, 13 हुक्म के पत्ते हैं। लेकिन 13 हुक्म के पत्तों में बादशाह, गुलाम, चिड़िया और हुक्म सभी प्रकार के पत्ते शामिल हैं। 13 हुक्म के पत्तों में से आपको दो तरीके का पत्ता नहीं लेना है, कौन कौन सा, बादशाह और गुलाम। तो यहाँ पर बादशाह टाइप का जो पत्ता होगा और गुलाम टाइप का जो पत्ता होगा, ये दोनों पत्ता नहीं लेना है। यानी कुल पत्तों की संख्या 13 है, 13 में से दो पत्ते आपको नहीं लेने हैं, इस नाते इसमें से हम -2 करेंगे। क्या करेंगे, -2 करेंगे। तो माइनस यहीं पर नहीं करना, आपको अगली लाइन में लिखना है कि बादशाह या गुलाम न हो तब शेष पत्ते, बादशाह या गुलाम, बादशाह या गुलाम न हो तब पत्तों की संख्या कितनी है, 13 में से 2 घटाएंगे। 2 क्यों घटाएंगे, क्योंकि 2 पत्ते आपको नहीं लेना है। तो आ गया आपको 13 में से 2 घटाएंगे 11। तो अब हम प्रायिकता ज्ञात करने वाला फार्मूला लगाएंगे। प्रायिकता का जो सबसे बेसिक सूत्र है, प्रायिकता बराबर कुल संभव प्रकार बटे सॉरी कुल अनुकूल प्रकार बटे कुल संभव प्रकार। यानी आपको यहाँ पे लिखना है हुक्म के कुल पत्ते कितने लेने हैं, आपको 11 लेने हैं, पत्तों की संख्या तो है 13, दो पत्ते आपको छोड़ देना है तो 11 पत्ते लेना है, बटे कुल पत्तों की संख्या कितनी है, 52। अभी आपको यदि ये वीडियो का पहला सवाल है और ये पहला सवाल यदि समझ में न आया हो, तो मैं आपको मोटी मोटा बता दूं ताश के पत्तों वाले सवाल में आपको क्या करना है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को तो आप समझ जाएंगे। ताश के पत्तों वालों में हमेशा बटे के नीचे 52 ही रहता है। कोई भी क्वेश्चन आएगा ताश के पत्तों से संबंधित, बटे के नीचे 52 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ताश के पत्तों की कुल संख्या 52 ही होती है। अब अंश में क्या लिखना है, अंश में आपको उन पत्तों की संख्या लिखना होता है जिन पत्तों के लिए आप प्रायिकता ज्ञात करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता हुक्म का हो,
तो हुक्म के सभी पत्तों की संख्या अंश में रहती है। यहाँ पर रहना चाहिए था 13, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दे दिया था कि बादशाह और गुलाम न हो, तो 2 पत्ते हम और कम कर दिए, हो गया 11। और यदि ये कंडीशन नहीं देता कि बादशाह और गुलाम ने हो, सीधे सीधे कहता कि ताश के 52 पत्तों में से यादृच्छया एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता हुक्म का हो, बस इतना ही रहता, तो आप अंश में लिख देते 13 और हर में लिख देते 52 और उसको काट देते तो आ जाता 1/4, वही आपका आंसर हो जाता। तो बस प्रायिकता वाले चैप्टर में सिक्का से संबंधित, ताश के पत्ता से संबंधित, लाल काला पीला गेंद जा झोले में से डालना और निकालना इस तरह का क्वेश्चन, और लीप वर्ष से संबंधित क्वेश्चन, रविवार सोमवार मंगलवार यानी सप्ताह के दिनों से संबंधित क्वेश्चन, इस तरह का सारा क्वेश्चन एक विशेष टाइप का होता है, उसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि ताश वाले पत्ते में हमेशा आपको क्या करना है, बटे में नीचे 52 लिखना है। तो हमारे साथ लगे रहिए, अगला सवाल हम करते हैं, और अगला सवाल करने के बाद आपको जरूर समझ में आ जाएगा इसका कॉन्सेप्ट है। हो सकता है कि पहला आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो, लेकिन सेकेंड वाला क्वेश्चन जो मैं लेने जा रहा हूँ, सेकेंड वाला क्वेश्चन वो आपको ज़्यादा समझ में आ सकता है। चलिए, यहाँ पर ताश के पत्तों वाली बात हो रही थी, तो फिर से मैं ताश के पत्तों के पास चलता हूँ कि ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात की दीजिए कि पत्ता बेगम है या काले रंग का है, कि पत्ता बेगम है या काले रंग का है। तो यहाँ पर ताश के पत्तों की कुल संख्या 52 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छया निकाला जाता है, तो उसके इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो उसके इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ताश के सभी पत्तों में कितने इक्के होते हैं, इक्कों की संख्या कितनी होती है। इक्कों की संख्या होती है 4। तो यहाँ पर यदि आपको ये पता है कि इक्कों की संख्या कितनी होती है और ताश के सभी पत्तों की संख्या कितनी होती है, तो आप सवाल आसानी से लगा सकते हैं। जैसे इसमें दिया है कि ताश की गड्ढे में से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता, प्रायिकता बराबर इक्का होने का कुल अनुकूल प्रकार कितना होगा। अगर हम इक्का निकालते हैं तो 4 इक्के निकल सकते हैं अधिकतम, तो ऊपर हमें लिखना है 4, अंश में लिखना है कितना 4, और नीचे कुल प्रकार कितना है, कुल प्रकार होता है 52। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि बटे के नीचे हर में हमेशा 52 ही रहेगा, और अंश में आपको सोच विचार करके आपको अपनी जानकारी के अनुसार लिखना है। तो ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 52, और इसको आप सरल कर देंगे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, और 4 से 52 कटेगा तो आ जाएगा कितना 13, तो 1/13 इसका आंसर हो गया।